हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय नी ब्लॉग। आज आ चुके हैं हम गांव में, जंगल में। मैं इतनी दूर आया हूं इसलिए क्योंकि एक इंसान को ड्राइविंग सिखानी थी, जो कि लर्नर है, मिस शिवानी, जो कि पहाड़ों पे भी बहुत तंगड़ी तंगड़ी ड्राइविंग कर चुकी हैं बलेनों के साथ। अब इनका टर्न आ गया है कि स्कॉर्पियो को भी टेस्ट करेंगे, तो थोड़ा थोड़ा सिखाना ज़रूरी है। यहाँ पे थोड़ी देर रुकते हैं। और गाइस, यहाँ खेत वेत एकदम ऐसा लग रहा है जैसे बिल्कुल गांव में आ गए। है तो ये गाजियाबाद, लेकिन बहुत अच्छा लग रहा है। ये ट्यूबवेल भी है सामने हमारे, और सनसेट इतना प्यारा सा हो रहा है ना सामने। ये देखो गाइस, बाहर से दिखाता हूँ मैं। ये इसका बटन है, अगर आप वहां से न्यूट्रल कर देते हो, क्लिच छोड़ देते हो, तो ऑटोमेटिकली इंजन ऑफ हो जाता है। इस पे क्लिक करना, कुछ क्लिक नहीं करना, बस ये ऑन है ऑलरेडी। इंजन अपने आप इसका ऑफ हो जाता है। हाँ, सब छोड़ दो, सब कुछ। हाँ हाँ, राइट। तो गाइस दिखाता हूँ आपको बाहर से प्यारा सा सनसेट, गाड़ी के बाहर से। ये देखो व्यू भाई, छत तो गंदी हो रखी है गाड़ी की, कितना प्यारा सनसेट हो रहा है, बेहतरीन। ये देखो लोंडे कुछ। जय हिंद बेटा, जय भारत। हाँ, इसको अगर गाड़ी के बाहर जाना है तो अब इसको बंद करना पड़ेगा ना गाड़ी को, उस बटन से बंद करो और निकलो बाहर। बहुत देर में ट्यूटर बताता है भाई, बहुत देर में बताता। तो गाइस फिलहाल पहुंच चुके हैं गाजियाबाद के खेतों में। गाजियाबाद में खेत थोड़ा दूर हैं, लेकिन यहाँ पूरी फीलिंग आएगी एकदम जैसे गांव वाली। तो कैसा लग रहा गांव में आके? बहुत फ्रेश लग रहा है। और यहाँ से हमारा घर बस 2 किलोमीटर दूर ही है शिवानी। क्यों? तो घर के बिल्कुल पास है, यहाँ फ्लैट बना रखे हैं लोगों ने। यहाँ पे गेहूं की फसल हो चुकी है और वहाँ पे सरसों। और सबसे प्यारा मुझे यहाँ का व्यू, हाँ, ऐसा लग रहा है एकदम शांति, एकदम बहुत अच्छा सा लग रहा है सनसेट को देख के गाइस। तो अब हम यहाँ पे थोड़ा सा वॉक करेंगे। तो गाइस यहाँ चलते हैं, ट्यूबवेल भी है बट अभी चल नहीं रहा, वो बंद है। और सरसों के फूल काफी प्यारे प्यारे, बहुत बढ़िया लग रहा है। मतलब शहर में जहाँ रह रहे हो वहाँ से ये खेत वेत पास हो तो अच्छा लगता है, बट अब यहाँ बिल्डिंग बिल्डिंग बन रही हैं सब। ये देखो फ्लैट बन चुके हैं ऑलरेडी। हाँ, ये अपनी हंक खड़ी कर दिए हैं ये भाई, एकदम सुनसान इलाका है। तो गाइज अभी शिवानी से मैं गाड़ी चलवाने वाला हूँ, थोड़ी सी चलाई उसने गाड़ी, अभी थोड़ी और ड्राइविंग सिखाएंगे उसको। ये किसके खेत हैं बताओ? गेहूं के खेत हैं। ये देखो, ये है किसान की बेटी, किसान की हो, पुलिस वाले की बेटी हो भाई। किसान फैमिली से बिलोंग करती हूँ। हाँ, किसान फैमिली से। फक्र है मुझे, मैं किसान फैमिली से बिलोंग करती हूँ, मेरे पापा जी इसमें, बट हम आए तो अपनी जड़ से है ना, किसानी की तरफ से। राइट, चलो बेबी फोटो खींचो। फिलहाल आ चुके हैं हम बीचों में, एकदम खेतों में, चारों तरफ है ग्रीनरी ग्रीनरी, और बीच में है एक सुंदर सा रास्ता। ये गया गांव का, उधर देखो वो जो उधर है ना सरसों का खेत है, उधर वहाँ फोटो कुछ अच्छे क्लिक किए जा सकते हैं। और सनसेट, वाओ, इसकी तो खूबसूरती बयान नहीं की जा सकती शब्दों में। ये तो आप सामने से देखोगे तब पता चलेगा, बहुत ही सुंदर। फिलहाल आ चुके हैं हम पार्क में, ऐसे पार्क में जहाँ सिर्फ भेड़ ही भेड़ हैं। ये देखिएगा भाई, बहुत सारी भेड़ हैं यार, कितनी प्यारी लग रही है पूरे पार्क में। ये हमें इनसे हमारे वूलन के कपड़े मिलते हैं। अच्छा, ये बात है। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, जाते हैं अब हम घर। ब्लॉग पसंद आए तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें। गाइस सरसों पक चुकी है, कटने के लिए तैयार है।
आप देख सकते हैं हम जा रहे हैं इस गांव की गलियों में से होते हुए। इस गांव का नाम रईसपुर है। तो गाइस ये है आफ्टर द ब्लॉग सीन कुछ ऐसा। वैलेंटाइन डे वीक